सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की इस वीडियो की बात करें तो ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल रहने वाली है आप सब के लिए। देखिए वीडियो जो है आप सब ने देखनी है, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल वीडियोस भी लाता हूँ जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स को खासकर ये ज़रूर देखनी है इस वीडियो को, ठीक है ना। देखिए जिस तरह से हमारा जो यहाँ पर कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर जो है, जो इज्जत है अपने से बड़ों के लिए, जो प्यार है अपने से छोटों के लिए, वो कम होता हुआ हमें दिख रहा है। और ख़ासकर अगर हम अपने घर के माहौल की बात करें, मतलब अपने माँ बाप से लेकर, तो उनके साथ आपको पता है किस तरह से हमें पेश आना हो, किस तरह से हमारा उनका बिहेवियर होना चाहिए हमारा उनके साथ, ठीक है। लेकिन मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ जो सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि इसी बात से जुड़ी हुई है। क्या हुआ कि बेटे ने अपनी माँ को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक पोल के साथ क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है ना। क्योंकि इसने क्या किया, एक कॉलीफ्लावर को क्या किया, स्टील की थमक चोरी किया था। ये बात है कहाँ की, उड़ीसा की। बेटे ने क्या किया है, पोल के साथ अपनी माँ को बांध दिया कॉलीफ्लावर चोरी करने के लिए। देखिए अब आपकी राय में ये कितना सही है या कितना गलत है। देखिए माँ को वो समझा भी सकता था, या भी देख भी सकते हो आप, 70 ईयर है जिसकी एज है, इलेक्ट्रिक पोल के साथ उसको बांधा गया और थ्रैश किया गया, मारा गया संत के द्वारा, क्योंकि उसने कॉलीफ्लावर क्या किया, उसमें चोरी की थी एक फार्मलैंड से, ठीक है, फ्रॉम हिज फार्मलैंड इन ओडिशा। अरे भाई भाई उसी, मतलब अपने बेटे की खेत से उसने क्या किया है, कॉलीफ्लावर ली है और बेटा कह रहा है कि तूने चोरी की है। यार अब क्या, मतलब क़यामत का इंतज़ार करें आप। अब हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, बेटा ऐसा कर रहा है और क्या, मतलब क्या कर, क्या कह सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर, इस न्यूज़ के ऊपर क्या कह सकते हैं। उसको थ्रेटन द विलेजर्स हु ट्राई टू, और जब लोगों ने, विलेजर्स ने जब वहाँ पर आए और उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की, मतलब ये मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको भी मारने पे तुल गया, शुरू हो गया। आगे देखें आप, और बाद में उसको वुमेन को रेस्क्यू किया गया और फिर हेल्थ के सेंटर में उसको भेज दिया गया। पिक्चर जो है इसकी ऑनलाइन हो गई, मतलब सोशल मीडिया पर इसको ये सरफेस हो गई है, इस इंसिडेंट की जो पिक्चर्स हैं, और फिर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर देखा भी जा रहा है। देखिए अब हम अगर बात करें इसकी, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से या फिर जैसा हमारा सुप्रीम लॉ है जो, ठीक है ना, तो हमारा ये कहना कि इसमें इस चीज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए, इस पर फोकस किया जाए, और ऐसे मामले, मतलब जो ऐसे अपने माँ बाप के साथ इस तरह से गलत कर रहे हैं, उनके साथ कुछ अच्छा सा सलूक होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को तक ये पैगाम पहुँचे और फिर वो भी ऐसे काम ना करें, ठीक है ना। अरे यार ये कैसे हो सकता है, मतलब इतने, ये फिर इंसान नहीं है ना, ये इंसान नहीं है, इसको इंसान कैसे कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये इंसान नहीं है। चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करने से भी क्या होगा, बात करेंगे तो ये ख़त्म ही नहीं होगी वीडियो, ठीक है ना, इसलिए आगे कुछ और स्लाइड्स भी हम देखते हैं। देखिए आपको पता है पिछले दिनों में जो उस्मान ख्वाजा हैं वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रह रहे थे, ठीक है ना। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बैट्समैन है, ठीक है ना, और उसी के चलते उनको, उन्होंने मतलब यहाँ पर फ़िलिस्तीन सपोर्ट, यहाँ पर फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, उसके चलते यहाँ पर उन्होंने अपने शूज़ के ऊपर फ़िलिस्तीनियन सपोर्ट जो उसमें मतलब लोगो जो लगाया हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने आर्म बैंड जो थी वो लगाई थी, उसके बाद आईसीसी ने उनको बैन कर दिया, मतलब कि वो नहीं लगा सकते, चार्जेस वगैरह उनके ऊपर लगे। और उसी के चलते चलते यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है ना, पेसर हैं, इनका नाम बताऊँ मैं तो माइकल होल्डिंग, ठीक है, इनको, इन्होंने क्या किया, मतलब गाली दी है किसके, उन लोगों को जो BLM के लिए क्या कि जिनको अलो किया गया, किसके लिए, टू टेक नी फॉर BLM, ठीक है ना, और होल्डिंग ऑन ख्वाजा शू रो, और मतलब इन्होंने क्या किया कि जो ख्वाजा शू रो, जो ख्वाजा की इसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके ऊपर इन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखें, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, हाँ इनको मतलब शूज़ वेयर करने से मना कर दिया गया था, ठीक है, और आई कैन नॉट से आई एम सरप्राइज्ड बाई आई सी सी स्टैंड्स, ही सेड हो द फक वर पीपल लव टू टेक द नीक फॉर BLM एंड स्टम्स वर्क आउट विद एल। देखिए ये दूसरी कुछ ये बात कर रहे हैं किसके लिए, LGBTQ कलर्स जो वहाँ पर जो स्टम्प्स हैं उनको दिखाया जा रहा है आप, लेकिन जो जहाँ पर इंसानी जाने जा रही हैं वहाँ आपको जो ये इसमें सपोर्ट कर रहा है, तो उस वक्त आपको क्या परेशानी हो रही है, मतलब इनका सीधा कहना, सीधा इन्होंने ICC के ऊपर क्या किया, सीधा निशाना इन्होंने साधा, ठीक है, और मतलब इन्होंने खुल के ये कहा कि ख्वाजा के साथ हैं हम और ख्वाजा जो है गाजा के साथ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे ये है इंस्टाग्राम, क्या हुआ है,
वुमेन, इसमें एक्चुअली एक वुमेन है, उसका अकाउंट हैक हुआ और ओबसीन पिक्स जो उसकी है वो पोस्टेड की गई, ठीक है ना, बिफोर वेडिंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात है, एक वुमेन है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया और फिर क्या किया गया, उसके ऊपर ओबसीन मतलब नंगी गंदी उसी की पिक्स जो है वो वायरल की गई, ठीक है ना, मतलब शादी को क्या करने के लिए कि शादी ना हो सके, ठीक है, मतलब उसको बदनाम करने के लिए। देखिए ये तो आजकल आप देखें किस तरह से समाज में हमारी ये चीज़ें फैलती जा रही हैं और कितना बुरा असर जो है वो पड़ रहा है, मतलब एक दूसरे के पीछे लगी है दुनिया, एक दूसरे के पीछे किस तरह से दूसरे को नुकसान पहुँचाए, यही आज की इस दुनिया का एक मकसद सा बन चुका है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास है, हाँ अभी एक और स्लाइड भी है, तो ये है नासा, नासा में जाना चाहते हैं आप तो ये आपके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, नासा ने इनवाइट किया पीपल को टू सबमिट नेम्स टू बी सेंट ऑन जुपिटर्स ऑर्बिट। देखिए नासा ने क्या किया है, लोगों को कहा है कि आप क्या नाम जो है वो सबमिट करें, ठीक है, अगर आप जुपिटर के ऑर्बिट पर जाना चाहते हैं, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो अपने नाम आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारे पास, ये क्या है, ये है, ये आपको शख्स दिख रहा है, ये एक्चुअली अगर इसकी बात करें तो ये इसने सेक्स चेंज करवाया है, ठीक है ना, और इसने किया क्या है, ये इंसान, ठीक है ना, इसने सेक्स चेंज करवाया हुआ है और इसने क्या किया, कट किया और बर्न किया, टैकी टू डेथ इन चेन्नई हैड अंडरगॉन सेक्स चेंज टू मैरी हर, ठीक है, मतलब इससे सेक्स चेंज किया उसमें उसको साथ मैरी करने के लिए, और बाद में उसको क्या कर दिया, उसको कट किया और बर्न किया और उसकी डेथ भी हो गई, ये बात है चेन्नई की, ठीक है। सो अभी एक और है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये है एरियल व्यू, किसका, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन डांसिंग इन सिंक टू परफॉर्म महाराष्ट्र इन गुजरात गोस्ट वाइज। देखिए महाराष्ट्र जो है फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये अपने ध्यान रखना, कहाँ पर, गुजरात में, और जो एरियल व्यू है ये अभी दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जो क्या कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी अभी आज की लास्ट और आखिरी स्लाइड। देखिए थोड़ी सख्त खराब होने की वजह से आपको शायद मेरी आवाज़ साफ सुनाई ना दे पा रही हो, ठीक है, सो उसके लिए सॉरी। और ये थी हमारी अभी तक की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो सबसे पहले पहुंचती है। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर।